हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। ऑलराइट। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मली एक है ना, हम ले लेते हैं सीरीज 2, 1, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है ना, तो ये कोई एक सीरीज है। अब इसमें एक बार बताओ कि इसमें सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? सबसे बीच में तो कौन सी वैल्यू है? 5। तो ये इसका क्या हो गया? मीडियन हो गया। क्या हो गया? ये मीडियन। बट इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए नंबर्स। ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मेन चीज़ यही है। ठीक है ना, और हमको क्या करना है उसके बाद में? बीच वाली वैल्यू निकालनी है, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21। ठीक है, इसमें कौन सा मीडियन है? इसमें कौन सा मीडियन है? इसमें अगर हम देखें ना, तो देखो 3 इधर 3 इधर, तो बस ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, कोई इसमें से बीच की वैल्यू निकल नहीं रही है ना। तो अब क्या करेंगे इस केस में? क्या करेंगे हम कि इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों का भी बीच की वैल्यू लेंगे। वो कैसे लेंगे? मीन निकालेंगे इन दोनों का। अपन को एवरेज निकालना आता है ना दो नंबर का। क्या करेंगे? 11 प्लस 13 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 2, मतलब 12। तो 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर है? 12। तो ये हमारा मीडियन होगा। तो जब ऑड नंबर्स होते हैं ना, जब ऑड नंबर्स होते हैं किसी सीरीज में ऑड है ना, तो सिर्फ एक मीडियन निकलता है जो कि बीच में होता है। ठीक है ना, और जब इवन नंबर होते हैं तो दो निकलते हैं, और उसका भी हम क्या करते हैं? दोनों का मीन निकाल के उसका बीच वाला नंबर निकाल लेते हैं, हमारा मीडियन हो गया। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया कि और नॉर्मल था है ना, अनग्रुप फ्रिक्वेंसीज हैं हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जब ग्रुप फ्रिक्वेंसीज की बात आ जाती है ना, तो फिर दिक्कत आती है। तब हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते मीडियन को। ठीक है ना, तब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो फिर हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है उस समय। ठीक है, तो आई होप अभी मीडियन आपको क्लियर हुआ होगा है ना। तो अब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसीज के बारे में कि उसका मीडियन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल एक एक टर्म को समझेंगे, बट किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ईजीली समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अपन एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मीडियन। ऑलराइट, तो उसमें क्या दे रखा है? क्लास दे रखी है हमें, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 0 to 10, ठीक है, 10 to 20 क्लासेस दे रखी हैं, और ऐसे दे रखी है 50 to 60 तक, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है ना, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है, और ये क्या है? 5, 10, 20, 7, 8 and 5। ठीक है ना, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी पे लगेगा ना, ग्रुप पे लगेगा ये सिर्फ, ठीक है ना, ग्रुप डाटा पे। तो ये ग्रुप डाटा है ना, क्लासेस बनी हुई है, तो सिर्फ इसके लिए यूज़ होता ही है ना। ये अनग्रुप में भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन समझते हैं ग्रुप डाटा पे। ठीक है, अब सबसे पहला जो मुझे लेटर दिख रहा है वो एल दिख रहा है। अब ये एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये लोअर लिमिट क्या है बेटा? देखो,
ये जो है ना ये ज़ीरो, ये इस क्लास की लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है, मतलब सबसे लोएस्ट जो आप डाल सकते हो उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो 10 के अपर लिमिट है, ठीक है ना, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। फिर ये इस क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर, ये अपर, हर क्लास की एक अलग लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। पर यहाँ पे लिखा है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? मीडियन हमें पता है बीच की वैल्यू है ना, जस्ट मिडल वन, मिड वैल्यू है ना। तो ये जो मीडियन क्लास है वो कैसे निकलती है कि जो हम ये टोटल दिख रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको टोटल देख लो फ्रीक्वेंसीज का, 5 + 10 = 15, 15 + 20 = 35, 35 + 15 कितना हो जाएगा 50, और ये 55, ठीक है ना, 55, ठीक है। अब है ना उसके बाद में क्या होगा कि ये जो 55 हमने निकाला है ना, ये जो 55 निकाला है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, n है, ये क्या है, n है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, हम समझेंगे कि मीडियन क्लास भी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अभी इसको रोक देते हैं, अभी थोड़ा सा पहले ये समझते हैं ये है क्या, है ना। तो n क्या है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, n है। तो n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं f की। f क्या है, f क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। हमें पता है कि जो भी ये f है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसको ही हम f डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो f है। अब वापस से मीडियन क्लास आ गया है ना। अभी इसको फिर से होल्ड पे डालते हैं, समझेंगे इसको अपन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आ गई। अच्छा एच क्या है, एच, एच क्या है, क्लास साइज, एच क्या है, क्लास साइज, या फिर अपन कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी चल रही है, ठीक है ना। तो ये देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्या चल रही है यहाँ पे, क्लास साइज 10 चल रही है ना। 10 का गैप आ रहा है ना, ये होता है एच, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। अब ये सी एफ क्या है, सी एफ तो हमने पहली बार ही कहीं ना कहीं देखा है ना। अब सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये समझते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी किसकी, ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब पहले सी एफ समझते हैं, सी एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, यहाँ पे लिखा सी एफ, एक और नया कॉलम बना देते क्योंकि यहाँ पे तो हमको एफ सी एफ दिख ही नहीं रहा। सी एफ क्या होता है, जैसे ये 5 है, ठीक है ना, तो इसको तो 5 लिखा, सी एफ निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, जैसे 5 है तो 5 लिखा। अब क्या हुआ, 5 + 10 करो, 5 में क्या करो, ये 10 प्लस कर दो, तो 5 + 10 कितना हो गया, 15, या 15 लिख दिया, ठीक है। फिर इधर 15 + 10, या फिर इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होकर अपन एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 + 10 = 15, 15 + 10 = 15 + 20 = 35, 35 + 7 कितना हो गया, 42, 42 + 8 कितना हो गया, 50, 50 + 5 कितना हो गया, 55, ये हो गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये 55 और ये 55, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, मतलब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है, ठीक है ना। ये और ये सेम होने चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब बात क्या आती है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली क्यों, है ना। अगर मैं यहीं से फ्रीक्वेंसी में पूछूं कि मेरे को बताओ कि 26th पोजीशन पर कौन से क्लास में आएगा, 26th पोजीशन पर आप निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, है ना। आपको तो ये पता है कि 0 to 10 में 5 नंबर्स हैं, है ना, 5 नंबर आ रहे हैं, 10 to 20 में 10 आ रहे हैं, 20 to 30 में 20 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, 30 to 40 में 7 आ रहे हैं, 40 to 50 में 8 आ रहे हैं, 50 to 60 में 5 आ रहे हैं, राइट। पर आपको ये तो ही ना पता है कि 32 पे कौन सी क्लास में आएगा, 35 वाला नंबर, 35th वाला नंबर कौन सी क्लास में आएगा। तो हमने क्या करा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, मतलब ये 5 है, मतलब 0 to 10 पे फर्स्ट 5 नंबर्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन है ना वो किस में आ रही है, 0 to 10 में,
ठीक है, फिर 6 से लेकर 15 तक, 6 से लेकर 15 तक, फिर 5 तक तो ये हो गई, फिर उसके बाद में 6 से लेकर 15 तक किसमें आ रहे हैं, 10 टू 20 में आ रहे, ठीक है ना। फिर 15 तक तो हो गया, 16 से लेकर 35 तक किसमें आ रहे हैं, 20 टू 30 में आ रहे हैं। 36 से 42 वाले किसमें आ रहे हैं, 30 टू 40 में आ रहे हैं। फिर 43 से 50 वाले किसमें आ रहे हैं, 40 टू 50 में आ रहे हैं। 51 से 55 वाले 50 टू 60 में आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मीडियन क्लास क्या होती है हमें पता है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो यहाँ से अब बताते हैं कि मीडियन क्लास कैसे निकलती है, ठीक है ना। मीडियन क्लास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियन क्लास, ठीक है ना, ये मीडियन क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टू, बस टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टू कर दो तो कितना हो गया 55 अपॉन टू, है ना। 55 अपॉन टू समथिंग आपको देगा 27.5, हाँ हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए 27.5। अब मुझे ये बताओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर से निकाल सकते हो क्या, 27.5 कौन से क्लास में आएगा, फ्रीक्वेंसी के हेल्प से निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। कम्युलेटिव की फ्रीक्वेंसी के हेल्प से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, 0 टू 5 इस क्लास में आ रहा है, 6 टू 15 इसमें आ रहा है, इसमें इन दोनों में तो नहीं आ रहा, 16 टू 35 इसमें आ रहा है, 16 टू 35, 35 पे ख़त्म हो जाएगा ना, 16 टू 35 इसमें आ रहा है, मतलब 27.5 भी इसमें ही आएगा, है ना। 16 टू 35 के बीच में ही तो 27.5 आएगा, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, ये हो गई, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब क्या है कि उसके बाद में हमें क्या करना है कि मीडियन निकालना है, वैल्यू निकालना है। ये तो क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन पता लग गया, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है 27.5 पे, ये तो पता ही नहीं अपन को, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो वो इधर से निकलेगी। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो मीडियन, मीडियन निकालना है, तो मीडियन इज इक्वल टू, है ना, एल, एल क्या था, एल क्या था, तो लोअर लिमिट, तो इस क्लास की मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 20, है ना, हो गया अपना काम। तो 20 प्लस एन बाई टू, एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 55, तो यहाँ पे क्या आ गया 55 बाई टू, ठीक है ना। माइनस सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास तो 35 से पहले वाली, इसकी नहीं लेंगे, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाले की, तो यहाँ पे माइनस 15 अपॉन में एफ, एफ क्या है, इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये जो 20 है ना, ये हमारा एफ हो गया, ठीक है ना। तो 20 इंटू हाइट एच, देखो सब में 10-10 का गैप चल रहा है ना, इसमें भी 10, इसमें भी एच, क्या होता है क्लास साइज, तो इसमें एच कितना चल रहा है, 10 चल रहा है ना, एच इज इक्वल टू इसमें क्या चल रहा है, 10 चल रहा है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसी के भी निकाल के देख लो, 30 माइनस 20, सबके कॉन्स्टेंट ही चल रहा है, तो 10 है ना, तो इंटू 10, देन बस अब इसको सॉल्व करना है ना, बस अपना आंसर आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये तो ख़त्म ही हो गया, है ना। फिर उसके बाद में बचा गया 20 प्लस 55 बाई 2, कितना होता है 27.5 माइनस 15 अपॉन में 2, ठीक है, 20 प्लस 27, तो ये 17, 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12, है ना, तो ये कितना हो गया 12.5 अपॉन में 2, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, तो 20 ये हो जाएगा 40 प्लस 12.5 अपॉन में 2, तो ये कहीं ना कहीं आ गया अपना 52.5 अपॉन में 2, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा 26.25, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब तो हमें फॉर्मूला क्लियर हो ही गया, है ना, तो ये चीज़ हटा देते हैं, फॉर्मूला में लिखे रहने देती हूँ, ठीक है, और ये चीज़ हम हटा देते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट, फाइंड द मीडियन हाइट, है, फाइंड द मीडियन, ठीक है। तो हाइट हमें दे रखी है, हाइट दे रखी है लेस देन 140,
ठीक है, लेस देन 145, फिर है लेस देन 150, फिर लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 4, 11, 29, 40, 46 and 51, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, ये लेस देन 140 एंड ऑल दैट, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना, ये तो आज तक हमें समझ में नहीं, ये देखा ही नहीं, लेस देन 140 वाला केस तू, है ना, कैसे करें। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, अब ये फ्रीक्वेंसी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये भी कैसे पता करें, है ना। एक तो पहली बात, ये लेस देन 140, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, है ना, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, नॉर्मल क्लासेस में बनाने की कोशिश करते हैं जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आते हैं। लेस देन 140, ठीक है, इसको तो अपन छोड़ देते हैं, लेस देन 140, है ना। अच्छा, इसमें क्या, लेस देन 145, अच्छा 140 तक तो इसमें आ गए, लेस देन 145 मतलब 145 से छोटे, है ना, और यहाँ पे 140 तक है, तो ये किसके बीच में आएगा, 140 टू 145, मतलब क्या है, 145 से कम और 140 तक तो यही हो गया, तो 140 से 145, है ना। अब क्या, लेस देन 150 मतलब 145 तक तो यही बात हो गई, तो लेस देन 150 मतलब 150 से कम और 145 से ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसको कैसे देखेंगे, 145 से 150, ठीक है। अब लेस देन 155 मतलब 155 से तो कम पर 150 तक तो यही आ गया, तो मतलब 150 से ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 से 155, है ना। फिर लेस देन 160 मतलब क्या होगा, 160 से तो कम पर 155 से ज़्यादा, तो 155 से 160, है ना। लेस देन 165 मतलब 165 से तो कम पर 160 तो ऊपर ही आएगा ना, 160 तक तो मतलब 162, 165, डन। अच्छा, ये तो हो गया, अब ये कहीं ना कहीं हमें फैमिली लग रहा है ना, ये तो कहीं ना कहीं फैमिली लग रहा है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स की। अब ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी लेस देन वाला आ रहा हो या बिलो देन, लेस देन और बिलो, तो हमेशा ये नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी, ये जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ना कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर ऐसी नॉर्मल क्लासेस आ रही हो ना, तब तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, पर जब लेस देन या बिलो देन आ रहा हो ना, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आ रहा होगा कि ये 145 टू 150, 140 टू 145, तो ये क्या करना है इसका। अच्छा, इसको आप लेस देन 140 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 135 टू 140 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, मीडियम क्लास की कर रहे हैं, तो मीडियम क्लास के अलावा तो हमें किसी से काम होता ही नहीं है, होता है क्या, किसी क्लास से काम नहीं होता, है ना, तो हमें तो मीडियम क्लास से फोकस रखना है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें 135 टू 140 या फिर लेस देन 140, इट्स फाइन, ठीक है, वैसे भी ये यूज़ में नहीं आता, है ना, तो कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि अपने पास में क्या फॉर्मूला, एन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, है ना, तो एफ भी निकालना पड़ेगा हमें, सही बात है। चलो, तो एफ कैसे निकालें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना आ गया हमें, वो स्लांट में चलते हुए जाओ और ऐड करते जाओ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जाना है ना, तो सबट्रैक्ट करते हुए जाओ, बस बात खत्म। चलो देखो, ये 4 है तो 4 का 4 ही रहने दो। अच्छा, इस 11 में से 4 को माइनस कर दो, इस 11 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचा, कितना बचा, 7 बचा, तो ये 7 रहा, ठीक है। फिर 29 में से 11 को माइनस कर दो, कितना बचा, 18 बचा, ये रहा 18। 40 में से 29 को माइनस कर दो, कितना बचा, 11 बचा, ठीक है। 46 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बचा, 6 बचा, और 51 में से 46 को माइनस कर दो, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है, हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना।
तो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है तो प्लस कर दो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो माइनस कर दो, बस पैटर्न याद रखना है ना। उसमें स्लांट चलते हैं, इसमें क्या करते हैं जो नीचे वाला टर्म होता है उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, अपना काम हो जाता है ना। बस ये थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करना किसको है और कैसे करना है ना। चलो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, मीडियन क्लास है ना। कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास, बस क्या करो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू कर लो, बस हो जाएगा अपना काम है ना। तो अपन यहाँ से लिखते हैं मीडियन क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास सबसे पहला काम तो यही होता है अपना है ना। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी करते हैं। अच्छा ये 51 है तो यहाँ पे भी 51 होगा है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 51 आ जाना चाहिए, क्रॉस चेक कर लो तो अपना ये भी समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी सही निकाली कि निकाली। 4 + 7 = 11, 11 + 18 = 29, 29 + 11 कितना हो जाएगा 40, 40 + 11 = 51 है ना। हो गया अपना काम। अब मीडियन क्लास क्या है, टोटल अपॉन टू कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टू कर दो है ना। तो कितना आ जाएगा 51/2 मतलब कितना आ गया ऑलमोस्ट 25.5। अच्छा अब 25.5 किस में आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी तो कैसे भी पता नहीं लगना है ना, 25.5 कहाँ लाया करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता लगना है। अच्छा 0 to 4 इस क्लास में है, 4 to 5 to 11 इस क्लास में है, 11 to 29 इस क्लास में है, 11 to 29 है ना। तो 25.5 भी 11 से 29 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो हमारी मीडियन क्लास हमें पता लग गई, ये वाली है, हो गया अपना काम तो है ना। चलो अब बस अपन को क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है और पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला गिवन है, क्या फॉर्मूला है एल। अच्छा एल क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट मतलब 145, ये तो क्या हो गई लोअर लिमिट हो गई, इसी क्लास की बात करते हैं अपन तो बस, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 145 हो गई है ना, प्लस एन बाई टू। एन क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये होता है ना एन टोटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये भी हमें पता है 51 है ना, तो 51/2। अच्छा सी एफ किसका निकालते हैं, प्रीसीडिंग क्लास का, इससे पहले वाली क्लास का। तो 18 में से ये 21 में से ये 29 ना लेके 11 लेंगे हम सी एफ है ना, इसकी प्रीसीडिंग क्लास का लेंगे। तो ये 21 ना लेके हम क्या लेंगे, ये 11 लेंगे। मैं ये सर्कल हटा देती हूँ सो देट आपको कन्फ्यूजन ना हो है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 21 से ये 11, ये अपना सी एफ होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 है ना अपॉन एफ। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की लेंगे, मीडियन क्लास की ही लेंगे, तो 18 है ना, ये 18 हो गया। और इंटू एच, एच कितना चल रहा है, क्लास साइज कितनी है 5, देखो 150 - 145 5, 155 - 155, तो ये रहा इंटू 5 है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा 145, और ये कितना हो जाएगा 25.5 - 11/18 × 5 है ना। चलो 145, ये कितना हो जाएगा 25.5 × 11 कितना हो जाएगा, ये 14.5 / 18 × 5 है ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस पे जा रहा है कि 18 × 145 कर लेते हैं, 18 × 145, और ये कर लेते हैं 145.5 × 5 मतलब सिंपली अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं है ना। तो 145 × 18 अपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 36, 8 × 1 = 8 तो कितना हो जाएगा 11, और 145 तो कितना हो गया 01, ये कितना हो गया 6 2 6 1 0 तो ये तो 2 6 1 0 हो गया। और 14.5 × 5 है ना 145 × 5 कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 22, 5 × 1 = 5 = 7 तो ये 72.5/18 दे देगा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 2682.5 है ना, 2682.5/18 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं है ना, बस डिवाइड ही तो करना है। तो 18 से ये कितनी बार गया, 18 × 1 = 18 ठीक है ना, फिर उसके बाद में बचा 88 राइट 88 तो कितनी बार जाएगा 4 times है ना, 4 times जाएगा तो कितनी बार बचेगा 4 times में 72 है ना, 18 × 4 = 72 तो कितना बचेगा 16 बचेगा तो 162 हो जाएगा। 162
इज समवॉट इक्वल टू 9 है ना, 162 क्या होता है, 9 ही तो होता है, तो ये 9 ठीक है, तो यहाँ तक तो 149, अब ये पॉइंट आ गया पॉइंट, ये 50 तो 50, तो ये समथिंग बेटर है 149.50 मतलब 18 2 36 है ना, उसके आगे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 149.2 समथिंग अपना क्या हो गया, मीडियन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और मीडियन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।